हाय, दिस इज कॉल्ड सुदीप्त मल्लिक। आप देख रहे हैं सुदीप्त ब्लॉग्स फोरम चैनल। फिलहाल मेरा शॉप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है और मैं जो द न्यू महाकाली फिश सेंटर का एक तो शॉप रेंट में लिया था पोषणाघाटा पाटुली प्रोजेक्ट में वेल एंड गोल्डस्मिथ का अपोजिट साइट में आप लोगों को बताया था, उस शॉप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि मेरा सभी मैं बोलूँगा किस लिए हुआ है, इसलिए हम अभी नहा के रेडी होके हम जा रहा है उधर। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, फंस गया है हम, क्योंकि आप लोग ही बताए, एक बार एग्रीमेंट हो जाने के बाद क्या उन लोग प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि हम भी कोर्ट में हैं, अलीपुर कोलकाता का अलीपुर कोर्ट में हैं, और हम लोग जानता है कैसे एग्रीमेंट के बाद ऐसे होता है क्या कि कोई जो रेंट दिया है, जो मेरा मालिक है वो बोल रहे हैं कि आपका एक साल का नहीं होगा। अभी ये एग्रीमेंट किया था एक साल का, 11 मंथ के लिए, और फिलहाल मेरा जो बिजनेस है तो बिजनेस के लिए मैं 10 लाख 50 लाख वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर क्या हम 11 मंथ के लिए करेंगे? तो नहीं। तो हमने क्या बोला था उसको, 33 मंथ के लिए आपको करना है एग्रीमेंट। उन लोगों ने क्या किया, 11 मंथ का लिए एग्रीमेंट किया और बोला कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी फ़िलहाल मेरे को रात को 10:30 बजे 11 बजे फ़ोन करके बोल रहे हैं वो उन लोग कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। मेरे ऊपर 3 शर्त भी लगा दिया है उन्होंने, और 3 शर्त क्या है आपको बोल रहा हूँ मैं। 3 शर्त है ये, उसको मेरा ट्रेड लाइसेंस है, ठीक है, द न्यू महाकाली फिश सेंटर का ट्रेड लाइसेंस है, और ट्रेड लाइसेंस के रहते वक्त मैं कॉमर्शियल टैक्स दे चुका हूँ। कॉमर्शियल टैक्स में दे चुका हूँ, मेरा खुद का जो घर है उसका एड्रेस से मेरा ट्रेड लाइसेंस बना हुआ है, और ये ट्रेड लाइसेंस में हम वो कॉमर्शियल टैक्स भी देते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा जो दुकान है जहाँ पे मेरा दुकान को रेंट में लिया था उसका जो मालिक है, रेंट का शॉप का जो मालिक है माने घर वाला, वो उसने कहा है कि ये नहीं होता है हमको। जब घर के सामने वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर द न्यू महाकाली फिश सेंटर का जो बोर्ड लगा हुआ है उसे में KMC ऑफिसर्स आए थे सुबह में, और सुबह में आके बोला कि ये कॉमर्शियल रेजिडेंशियल प्लेस है, यहाँ पे कॉमर्शियल लगाना मना है, तो आपके लिए वो कॉमर्शियल टैक्स देना पड़ेगा। तो बाड़ी वाला ने क्या किया, मेरे को फ़ोन करना चाहिए था उस टाइम में, मेरे को फ़ोन करना चाहिए था, मगर वो मेरे को फ़ोन नहीं किया, उसका जो ब्रदर है नाम कमल हलदार, वो मेरे को फ़ोन कर रहा है, फ़ोन करके बोल रहा है KMC का ऑफिसर आया था सुबह में, और ये जो आप साइन बोर्ड लगा लिया ग्लो साइन बोर्ड से उसका परेशान हुआ, KMC ऑफिसर आया था, KMC ऑफिसर आके उधर पे बोला है कि ये कॉमर्शियल टैक्स लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा, सब ठीक है। मगर सुबह में जब वो आया तब मेरे को तो फ़ोन करना चाहिए था ना, उसको तो मेरे को फ़ोन करना चाहिए था, फ़ोन करके बोलना चाहिए था जी सुदीप्त जी, यहाँ पे KMC का ऑफिसर्स आया है, ये बोर्ड दिखा के वो बोल रहे हैं ये ग्लो साइन बोर्ड लगा हुआ, तो हम लगाएंगे तब वो उसको कॉमर्शियल टैक्स देना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तुम महीना में 15,000 का भाड़ा ले रहे हो, क्या तुम कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं दोगे? तो इसीलिए तुम शॉप में रेंट कर रहे हो, तुम तो फैमिली वालों को दे सकते थे, नहीं दिया तुम, दिया शॉप वालों को। हम कंपनी वाला है, हम तो आपके पास नहीं गया, आप खुद चल के मेरे पास आया और बोला मेरा घर है तुम शॉप रेंट में लो। हम शॉप में रेंट लिया, हम आपको जानता है ना, हाँ तुम आपको जानता था, हाँ तुम मेरे को जानता था, इसीलिए तो तुम मेरे पास आया, मेरा को बोला कि मेरा एक ठो घर है,
आप फॉर्म के लिए रेंट ढूंढ रहा है तो हम आपका ये परेशान दूर कर देते हैं। तो ठीक है ना, मैं चला गया आपके पास, एग्रीमेंट किया, पैसा दिया। अभी फिलहाल वो बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए आज मीटिंग करने जा रहे हैं उधर। तो नहा लिया, अभी शर्ट फट पहन भी लिया और इसका जीन्स भी पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे और जीन्स पहनेंगे के थोड़ा खाना खा के हम निकल पड़ेंगे घर से और जाएंगे उधर पे, और आपको हम उसका घर दिखाएंगे। और आप देखिए, जब किसी का घर लेते वक्त, माने आपका जो शॉप है, दुकान है, कंपनी है वगैरह वगैरह जो भी है, ऑफिस है, आप जब लेंगे, एग्रीमेंट करके लेना और एग्रीमेंट में दिखाएंगे, एग्रीमेंट के बाद ऐसा नहीं होता है। हम कोर्ट में हैं, वो हमको लॉ सिखाएंगे। वो हमको बोल रहा है फोन पे, आप लॉ जानता है, हम लॉ जानता है, ऐसे बोल रहे हैं मेरे को। ठीक है, आप देखते रहिए और मैं आपको उसका घर दिखाएंगे। मैं ऐसा ब्लॉग नहीं करेंगे कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, रोड में हम दिखाएंगे, सब दिखाएंगे आपको। ठीक है, और उसका घर किधर है, कैसे जाता है रोड में, सब दिखाएंगे आपको। मगर मैं बोल रहा हूँ, बस में हम चढ़ेंगे, ऑटो में चढ़ेंगे, जो भी चढ़ेंगे वो हम दिखाएंगे नहीं। मगर आपको बोल रहे हैं, जो कल एक वीडियो में दिखाया था, मैं काशीनाथ भैया के घर गया थे, तो वो उसमें वो गड़िया आरके बाईपास से हम गया थे, तो आरके बाईपास से ही जाएंगे, उधर से जोड़ा पेट्रोल पंप है, जोड़ा पेट्रोल पंप से बस पकड़ेंगे हम सीधा वेल एंड गोल्डस्मिथ में उतर के आपको रोड दिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैष्णवघाटा पाटुली वेल एंड गोल्डस्मिथ स्कूल जो है उसके ऑपोजिट साइड का जो रास्ता है, उस रास्ता से थोड़ा दूर जाने के बाद, सेंट्रल का आपका जो रास्ता है उसमें थोड़ा दूर जाने के बाद राइट हैंड साइड में एक तो गली पड़ता है, वो भी हम वीडियो में दिखाएंगे। और वीडियो से वो रास्ता चल के थोड़ा बाहीं लेफ्ट हैंड साइड में वो घर है। ठीक है, हम वो भी दिखाएंगे आपको। देखते रहिए सुदीप्तो ब्लॉग्स फोरम चैनल। जिन लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू, आप देखते रहिए, टू बी कंटिन्यूड। ये है सीए, ये घर है सीए, यही घर है। ठीक है, देखते रहिए। ये है सिर्फ रास्ता और ये है घर जो दिखाना है, ये घर है, आप देख रहे हैं ये घर। ठीक है, इसका ही घर है, तो आप इसी पे मत पड़े तो अच्छा है, क्योंकि ये जो घर है, ये घर थोड़ा दिक्कत में है। ये इसका टैक्स अभी ये 3 रीज़न शो कर रहा है। अब जो बोल रहा हूँ वो ट्रेड लाइसेंस का, लाइसेंस में आपका वो कमर्शियल टैक्स लगता है, ये बोला है, और भी बोला है कि आप इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स नहीं, ट्रेड लाइसेंस का जो टैक्स लगता है वो टैक्स दे दीजिए। कमर्शियल टैक्स लगता है एग्रीमेंट हो जाने के बाद भी, ऐसा ही बोला है। 33 महीना का मेरा बिजनेस का बोला था मेरा भैया ने, बट इन लोगों ने 11 मंथ कर दिया इसको, और ये बता रहा है, झूठ बोल रहा है कि 33 मंथ नहीं बोला। एंड अभी ये भी 3 रीज़न शो किया है मेरे को, ये 2 हो गया और एक ठो बोला क्या 11 मंथ हो या 33 मंथ हो, आपका वो कोई भी कहाँ से भी प्रॉब्लम आएगा, मछली का बदबू आएगा, तो आपको उठ जाना पड़ेगा, एग्रीमेंट हो सके या ना सके, ऐसे ही। तो आप भी बोलिए, एग्रीमेंट हो जाने के बाद कोई ऐसे करते हैं,
नहीं करते हैं ना, तो आप बोल रहे, तो देखते रहिए मेरा चैनल सुदीप्त ब्लॉग्स 4M चैनल, और जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हम वीडियो शो करेंगे, आप देखते रहिए। तो लाइक सब्सक्राइब, जय हिंद, जय बंदराम, वंदे मातरम।